नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं माइक्री सपोर्ट और मैं हूं आपका दोस्त नवदीप शुक्ला। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं ओप्पो एंड वीवो की सच्चाई। दोस्तों, अभी भी आई एक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि ओप्पो और वीवो इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्मार्टफोन हैं और इनकी बिक्री का करीब 80% ऑफलाइन मार्केट से होता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ओप्पो और वीवो के जरिए भारतीय चाइना के द्वारा उल्लू बनाए जा रहे हैं। पूरी बात को जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को जिसको ज़रूरत है उनके पास शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात जानना जरूरी है कि ओप्पो और वीवो का जो पेरेंट कंपनी है वह एक ही है। दोस्तों, जनरली हम ओप्पो और वीवो के होर्डिंग्स, बैनर और एडवर्टाइजमेंट्स को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि इसके एड्स को चिपकाने के केवल दुकानदारों को 30 से 40 हज़ार रुपये मिलते हैं पर मंथ। दोस्तों, अगर आप ओप्पो और वीवो के प्राइस से उसके फीचर्स का कंपेयर करते हैं तो वह किसी भी फ़ोन को पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि उस प्राइस रेंज में अदर कंपनियाँ उससे अच्छे फीचर्स दे रहे हैं, लेकिन हम एडवर्टाइजमेंट्स के झांसे में आ जाते हैं। दोस्तों, जनरली ओप्पो और वीवो के फ़ोन ख़रीदने के लिए हमें दुकानदार भी उसकाते हैं, क्योंकि इन फ़ोन्स में उनका कमीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, करीब 14 से 15% के बीच होता है, जबकि अदर कंपनियां उनको केवल 3 से 5% के बीच ही कमीशन दे पाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद केवल आपको आगाह करना था कि किसी भी प्रचार या किसी के झांसे में ना आए, अपना दिमाग दौड़ाएँ या फिर किसी जानकार की सलाह लें, क्योंकि एक सामान्य सा आदमी भी यह जानता है कि कम चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा देना उचित नहीं है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी बातें समझ में आई होगी और यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।